फाइनेंशियल प्लानर और स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल पे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बैंक निफ्टी एक्सपायरी डे की स्ट्रेटजी। वीकली जो एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी में, वीकली ऑप्शन एक्सपायरी डे की स्ट्रेटजी, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं जो अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, वो लोग वेट करते हैं कि कब ऑप्शन मार्केट की एक्सपायरी आए और हम उस दिन में ट्रेड करें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि हमारे पास ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी हो जिसपे हम कम रिस्क में ऑप्शन मार्केट में एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए उस स्ट्रेटजी का नाम भी बताएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हम उस स्ट्रेटजी में बेनिफिट बना पाएंगे। तो उस स्ट्रेटजी का नाम है दोस्तों लॉन्ग आयरन कंडोर, ठीक है। लॉन्ग आयरन कंडोर एक स्ट्रेटजी है जिसकी सहायता से आप एक्सपायरी वाले दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? क्योंकि देखिए एक्सपायरी वाला जो मार्केट होता है वो ऐसा होता है कि मार्केट कहीं भी जा सकता है, एक अपवर्ड मूव ले सकता है, डाउनवर्ड मूव ले सकता है, ठीक है। तो अगर वोलेटाइल मार्केट है एक्सपायरी के लिए तो हम एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको कि लॉन्ग आयरन कंडोर को कैसे एक्सपायरी वाले डे में अप्लाई करें। तो दोस्तों जो भी आपका एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी वाले डे में जो भी आपका एटीएम हो, एटीएम मतलब एट द मनी, यानी बैंक निफ्टी या स्टॉक में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं बैंक निफ्टी का, ठीक है। बैंक निफ्टी का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि बैंक निफ्टी में एटीएम जो भी चल रहा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 37,000 बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है, कितना हो रहा है 37,000। तो आपको क्या करना है कि करंट वीक रहेगा, पूरी एक्सपायरी ही सेम डे में है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 200 या 100 पॉइंट आईटीएम आपको जाना है, 100 पॉइंट आईटीएम जाना है, मतलब 36900 का कॉल आपको बाय करना है और यहां पे 37100 का पुट आपको बाय करना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे नेक्स्ट, इससे और थोड़ा सा आइटम चलेंगे 36700 का कॉल सेल करना है और उसी तरीके से 37300 का पुट हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। सारी पोजीशन हमारी आईटीएम पे होगी, सब कुछ आईटीएम पे है, ये भी आईटीएम है इन द मनी, ये भी आईटीएम है, ये भी आईटीएम है और ये भी आईटीएम है, ठीक है। तो जो भी पोजीशन होगी हमारी 36900 आईटीएम होगी, 36700 कॉल जो सेल कर रहे हैं वो भी आईटीएम होगी, 37100 ITM है, 37300 ITM है, पुट साइड का है, ये कॉल साइड का है। अब हमारा जो मार्केट कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, 37000 पे रन कर रहा है। तो दोस्तों अब इसका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप इसको और भी क्लियर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको बस ये समझना है कि 100 पॉइंट ITM हमको जाना है कॉल और पुट में, उनको बाय कर लेना है, और 200 पॉइंट हमको कॉल और पुट का ITM में जाना है, उसको हमको सेल कर देना है। 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट भी आप सेलिंग के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताने जा रहा हूं। तो इस स्ट्रेटजी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ये कुछ इस तरीके का होगा दोस्तों। इसमें आपको मैक्सिमम जो लॉस होगा वो होगा 1000 रुपीज से लेकर 1200 रुपीज तक का, ठीक है। 1000 से 1200 रुपीज का मैक्सिमम लॉस होगा। लॉस जो जोन है वो ये है, ठीक है। ये वाला जो जोन है ये आपका लॉस अमाउंट, ये वाला जो एरिया है ये आपका प्रॉफिट एरिया है। कौन सा एरिया है? प्रॉफिट एरिया, प्रॉफिट। अगर मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में, यानी कि बैंक निफ्टी 37000 से 37300 चली गई या 36700 चली गई, किसी भी एक डायरेक्शन में 200 या 300 पॉइंट का मूव कर गया तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों? 6000 से लेके 5000 तक का आपको प्रॉफिट हो जाएगा किसी भी डायरेक्शन में मार्केट गया,
किसी भी डायरेक्टर में मार्केट अगर जाता है तो 6,000-5,000 का प्रॉफिट आप बना सकते हैं और आपका जो रिस्क है वो मात्र 1,000 से 1,200 रुपीज का रिस्क है। इस रिस्क में आप लोग 6,000-7,000 रुपीज प्रॉफिट बना लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं विनिंग प्रोबेबिलिटी की और रिटर्न रेशियोज की और कितने बार आप ट्रेड करते हैं तो कितना रिटर्न आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ आपको इस स्ट्रेटजी की विनिंग प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों हमारा जो विनिंग रेशियो होगा वो होगा 60% के आसपास। मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा, मैक्स प्रॉफिट वो होगा दोस्तों 6,000 से लेके 7,000 के बीच में, और जो मैक्स लॉस होगा दोस्तों वो मैक्स लॉस होगा 1,000 से लेके 1,500 या 1,200 के बीच में। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी में इस तरीके से विनिंग प्रोबेबिलिटी है, खासकर आप एक्सपायरी डे के दिन इसे यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी चीज की आप इस प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करके आगे पीछे करके भी आप लोग इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप इसका क्रॉस चेक कर सकते हैं, जैसे ऑक्ट्रा हो गया, सेंसिबल हो गया, तो वहां पे लॉन्ग आयरन कंडूर को इन द मनी पे आप जाके अगर बनाएंगे तो आपको वीकली हो या इंट्राडे हो या एक्सपायरी ड्यू हो बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी में टोटल इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा 50,000 से लेके 55,000 के बीच में। इस इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं। आप ये इन्वेस्टमेंट यूज कर रहे हैं, अगर आप 10 टाइम ट्रेड करते हैं सिर्फ 10 बार, तो आप देखेंगे कि आपको एक बड़ा कैपिटल रिटर्न के फॉर्म में आता है। कैसे, मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही बात करूंगा। अगर आप 10 टाइम ट्रेड करते हैं, 10 टाइम अगर हम ट्रेड करते हैं तो 10 टाइम पे हम अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात करें, विनिंग प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 50% है। अगर 6,000 भी नहीं, हम 5,000 का प्रॉफिट बुक करते हैं तो 5,000 × 5 और हमको लॉस जो हो रहा है 1,200 × 5, तो टोटल प्रॉफिट दोस्तों हमको हो रहा है 25,000 का और लॉस हो रहा है 6,000 का। तो हमारा जो क्रेडिट है दोस्तों वो मिनिमम 19,000 रुपीज आएगा पर लॉट। तो दोस्तों हम ये इन्वेस्टमेंट करके ये रिटर्न हम लोग इस स्ट्रेटजी में बिना किसी रिस्क के बना सकते हैं। मतलब हमने अपना पोजीशन मॉर्निंग में 10 AM, 9:30, 9:40 AM पे बना लेंगे और 3 PM के आसपास हम अपनी पूरी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। मोस्ट ऑफ द केस में हम प्रॉफिट में रहेंगे और कुछ केसेस में हो सकता है कि हम इस अमाउंट का लॉस भी बुक करें। तो इस पूरी स्ट्रेटजी में हमने सीखा कि कम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रिटर्न हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे खासे तरीके से हम इस पूरी स्ट्रेटजी में प्रॉफिट बना सकते हैं। अब दोस्तों बात करता हूं उनकी, जो लोग नए हैं ऑप्शन मार्केट में, जो लोग चाहते हैं कि ऑप्शन मार्केट में इस तरीके की स्ट्रेटजी लगाएं और सीखें और ट्रेड करें, तो हमारे यहां से कैपिटल एक्वायर पूरी तरह से लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जो लर्निंग होती है दोस्तों वो गूगल मीट में और जूम ऐप के थ्रू लर्निंग होती है, और इस लर्निंग की जो है आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी टाइम टाइम पे मिलती रहती है। तो कंप्लीट आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, कंप्लीट आपको बताया जाता है कि ऑप्शन मार्केट में हम किस तरीके से बहुत अच्छे से सिक्योर तरीके से काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, और प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लोग इस वीडियो में नए हैं जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले समय में हम इसी तरीके से अच्छे कंटेंट आप लोगों के सामने लेके आते रहें। थैंक यू सो मच।